नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुए हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आरोप है कि अरमान को कुछ कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो गणेश विसर्जन में शामिल हुआ था। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों के सवाल पर अरमान ने कहा था कि ना मैं मुसलमान हूं और ना ही हिंदू, मैं सिर्फ इंसान हूं। इतना सुनते ही चाकुओं से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और अब इस मामले में इसी हत्याकांड में घायल हुए फरदीन का बयान सामने आया है। फरदीन ने बताया है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। पुलिस और परिवार ने भी बयान दिया है, लेकिन पहले फरदीन का बयान सुनिए। फरदीन ने कहा, गणेश विसर्जन से आ रहे थे, आने के बाद हमलावरों की ओर से कहा गया कि मुसलमान होकर रंग लगा रखा है, आज नमाज भी नहीं पढ़ी, क्या हो गया? उसके बाद उनकी ओर से गाली गलौज और धक्का मुक्की होने लगी, फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। मोंटी भाई आए और उनको भी चाकू लगा। किसने हमला किया, इसके जवाब में फरदीन ने कहा कि सैफ, विनीत, समीर, शाहरुख, शब्बीर और अजय मलिक थे जिन्होंने चाकू चलाए। सबके हाथ में दो दो चाकू थे। बताया जा रहा है कि अरमान हमलावरों से खुद को छुड़ाने और बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों ने चाकू मारना तब भी बंद नहीं किया। अरमान की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। अरमान के पिता ने कहा, मेरे बेटे को चाकू मार दिया। 3 से 4 चाकू मोंटी और फरदीन को भी लगे। झगड़े के बारे में पूछे जाने पर मृतक के पिता ने कहा कि वो तो चाकूबाज हैं। उधर इस हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि ये दो परिवारों के आपसी साजिश का मामला है। सैफ, विनीत, शाहरुख पकड़े जा चुके हैं, जो फरार हैं उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। दोनों परिवार मुसलमान हैं, सांप्रदायिकता का कोई एंगल नहीं है। बहरहाल, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या वाकई कोई धर्म के नाम पर इतना अंधा हो सकता है कि सिर्फ रंग लगाने से किसी की जान ले ले? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।